आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सिलेबस फॉर यूपीएससी एंड व्हेन इज यूजुअली द एग्जाम डेट अनाउंस्ड। सो यूपीएससी का सिलेबस आपको मिल जाएगा यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड देन आप गूगल भी कर लोगे तो भी आपको यूपीएससी का मेंस और प्रीलिम दोनों का सिलेबस मिल जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस इज नॉट वेरी वास्ट, इट इज़ गिवन इन 7 लाइन्स आई थिंक, एंड यूपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत डीप में दिया हुआ है, आपको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है, उसको बाय हार्ट करना है। यू विल गेट इट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। एंड अबाउट द एग्जाम्स, एवरी ईयर बिफोर द ईयर स्टार्ट्स यूपीएससी आपको पूरे साल का कैलेंडर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देती है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आप उसकी चिंता मत करना। आई थिंक आई हैव एन आंसर द क्वेश्चन इनफ। सो सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम आई शुड गिव फॉर ईच सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन यू। शायद आपको किसी एक सब्जेक्ट में कम टाइम डिवोट करना पड़े, शायद किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़े, इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे पर्सनली पॉलिटी के लिए बहुत टाइम नहीं देना पड़ा था, एक महीने में मेरा पॉलिटी हो गया था। उसके बाद मुझे रिवीजन के लिए आई यूज़ टू गिव 3 to 4 days, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी मुझे बहुत दिन लगे थे। मैंने एक वीडियो सीरीज मैंने देखी थी, मुझे नहीं समझी थी, मैंने 2 या 3 और सीरीज देखे थे फॉर इकोनॉमी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपका टाइम डिपेंड्स करेगा। बट मैं ये कहूँगा कि स्टैंडर्ड आप एक सब्जेक्ट के लिए एक महीना दे सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपका एक महीने में पूरा हो जाना चाहिए। प्रिपरेशन मतलब क्या, आपका एक बार रीडिंग, फिर उसका रिवीजन, एंड यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑन देम। चाहे आपको अच्छा आंसर लिखना आए या ना आए, बट यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑफ देम। तो उसको बोलते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। सो थर्ड क्वेश्चन आई हैव, वॉट इज़ बेनिफिट ऑफ बी एस सी ऑनर्स ऑफ और बी एस सी एग्रीकल्चर डिग्री इन यू पी एस सी? कुछ नहीं, आप कोई भी डिग्री कर लो, मास्टर्स कर लो, पी एच डी कर लो, आपको यू पी एस सी में आपके बैकग्राउंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से आओ, आपको यू पी एस सी में कोई भी बेनिफिट नहीं है। यू पी एस सी में बैकग्राउंड सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप जो बैकग्राउंड से हो, आपको इंटरव्यू में वो बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चांसेस है, उसके सिवाय आपके बैकग्राउंड का यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में कुछ भी रेफरेंस नहीं है। सो ये आप अपने मन से निकाल दो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स टू बी फोकस्ड व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा एक साल लगा था हाउ टू रीड न्यूज़पेपर ये समझने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से टॉपिक्स पे फोकस करोगे। सी, आप जब भी इनिशियल डेज में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मेनली द हिंदू, आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको द हिंदू, ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर इसलिए है क्योंकि द हिंदू सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल न्यूज़ है, नॉट अ नेशनल न्यूज़, लोकल न्यूज़ भी छपता है द हिंदू, लेकिन द हिंदू किसी भी लाइक लेस इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे फोकस नहीं करता है। जैसे आप कोई अदर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी न्यूज़पेपर का, तो उसमें सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ आती है, या फिर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ रहता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे फोकस होता रहता है, स्टॉक मार्केट पे बहुत फोकस रहता है। द हिंदू वैसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड नेशनल न्यूज़पेपर, तो उसमें आप जब भी उसको पढ़ोगे, आपको खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि द हिंदू की हर एक न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट लगेगी। तो योर सिलेबस विल हेल्प यू इन दैट एस्पेक्ट। सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो न्यूज़पेपर आप पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ रहे हो, आप अपना सिलेबस का एक कॉपी आपके सामने रखो। आपके अगर टेबल के सामने वॉल है, अगर लाइब्रेरी में आपके टेबल के सामने या आपके जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे कोई अगर पार्टीशन वगैरह दिया आपको, तो उस पर आप
सिलेबस पेस्ट कर दो आपको, सिलेबस विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड यू अवॉइड इन न्यूज़पेपर, व्हाट शुड यू रीड, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल टेल यू व्हाट शुड यू अवॉइड इन दैट न्यूज़पेपर। सो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिसिस इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें इसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली बात करने वाला हूँ। मैंने जब इनिशियल डेज में चालू किया था मेरा पढ़ाई, तभी हर एक वीडियो में या हर एक टॉपर यही बोलता था कि एनालिसिस करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब होता क्या है? सी, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल ले लो एग्जांपल, तो क्वेश्चन कौन से पार्ट के ऊपर से आए हैं? चलो पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, तो पार्लियामेंट के कौन से पार्ट को यूपीएससी ने पिछले 10 साल में फोकस किया है, कौन सा पार्ट यूपीएससी ने टोटली मिस कर दिया है। मतलब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना, तभी आपको ये समझेगा कि सिर्फ एक सिलेक्टेड पोर्शन है जिसके ऊपर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाहर यूपी से जा नहीं रही है। सो एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आप किसी चैप्टर में क्या पढ़ो और उस चैप्टर में अंदर जाके भी क्या पढ़ो, समझा? मतलब एनालिसिस आपको बहुत माइक्रो लेवल पर लेके जाएगी, आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। एनालिसिस करते वक्त आपको मैक्रो लेवल पे ये एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन ज़्यादा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम आए। देखो, अगर आप एंशियंट या मेडिवल पे बहुत मेहनत करोगे ना, 2019 में आई थिंक आर्ट एंड कल्चर पे बहुत क्वेश्चन आए थे, तो लोगों ने उसके बाद आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना चालू किया। तो एक हद साल ऐसा हो जाएगा कि एक टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत आए, लेकिन आप एक कॉमन सेंस लगाओ, पिछले 5 या 6 साल में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरे पूरे पूरा जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स का एक ग्रुप है, 10 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो 10 लाख एक्चुअली फॉर्म भरते हैं, अपेयर नहीं करते उतना। तो आप ये सोचो कि वो जो आपके साथ 10 लाख लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो भी एंशियंट मेडिवल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 5 या 6 साल में उस पर बहुत कम क्वेश्चन आए, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही कम है। एंशियंट मेडिवल आप जितना पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर जितना पढ़ोगे उतना कम है, वो बहुत वास्ट है, उसमें आपका ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा जाएगा और आउटपुट बहुत कम मिलेगा। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपके साथ जो है वो भी नहीं वो पढ़ रहे, तो अगर उस पर आया हुआ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, तो वो और किसी को भी नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस आप लगाओ। एक साल अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, उसका ये मतलब नहीं कि यूपीएससी इसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस करेगी। वो सिर्फ गूगली डाला यूपीएससी ने। तो आप एनालिसिस करो कि पिछले 10 साल में कौन से चैप्टर पे या कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके एग्जैक्टली कौन से पार्ट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप समझ लो। इसे कहते हैं एनालिसिस। मैं स्पेशली एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप एक बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में यही रखो कि एनालिसिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कौन से चैप्टर्स पे कितना क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के कौन से पार्ट पे कितना क्वेश्चन। सो गाइस, आई विल टेक यू लीव लॉगिंग ऑफ अनिकेत जाधव।